Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum nazreen. Welcome to Bright Info. Hope you all are fine. Viewers, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से PMA 146 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो PMA 146 के हवाले से हमने सोचा है कि इसकी प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों के साथ मटेरियल अभी से शेयर करना स्टार्ट कर दिया जाए ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके. तो उसी प्रिपरेशन के हवाले से हमने किया है कि आप लोगों के साथ जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं डिफरेंट सेंटर्स के अंदर, तो उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, उन क्वेश्चंस को आप तक पहुंचा दिया जाए ताकि आप लोग देख सकें कि टेस्ट के अंदर किस तरह क्वेश्चन आते हैं. जो लोग तो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को तो पता है कि जो हम वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते हैं, जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हैं, उनके अंदर टेस्ट के अंदर कितना बड़ा हिस्सा उन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आता है और कई दफ़ा तो पूरा टेस्ट इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से आ जाता है. तो नए लोगों के लिए ये वीडियो आपको बताना ज़रूरी समझूंगा, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन कर सकें. तो चलिए देखते हैं कि हैदराबाद सेंटर में आने वाले सवाल. तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो हैदराबाद सेंटर में रिपीट हुआ था, ये PMA 142 से लेकर हम शुरू करेंगे आगे तक आपको जाएंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन है बदर मीन्स, तो बदर मीन्स फुल मून, वेदर मीन्स फुल मून. तो उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का ऐलान कब किया, तो व्हेन डिड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस्ड, मींस जब उन्होंने नबुवत का ऐलान किया, एट द एज ऑफ 40 ईयर्स 40 साल की उम्र में उन्होंने अपनी नबुवत का ऐलान किया था. नेक्स्ट है लाहौर रेजोल्यूशन को कौन लीड कर रहा था, लाहौर रेजोल्यूशन किसने पे, जिस करारदाद पाकिस्तान करारदाद लाहौर, तो उसको कौन लीड कर रहा था, तो आंसर है मौलवी फजलुल हक. मौलवी फजलुल हक लीड कर रहे थे लाहौर रेजोल्यूशन को. तो आपके लिए जस्ट आंसर्स हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लोगों ने शेयर किए हुए हैं, जो लोग टेस्ट लेके आए थे उन लोगों के शेयर किए हुए क्वेश्चन है जो कि हम आप लोगों के साथ आगे शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह हो सके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कांग्रेस किसने फाउंड की, कांग्रेस किसने फाउंड की, तो कांग्रेस किसने बनाई थी, एलन ऑक्टेवन ह्यूमे, तो ये उसका नाम था जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी. नेक्स्ट है नंबर 5 पे डेट ऑफ बर्थ ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, तो नवंबर 20, 1750. तो आप लोगों से एक और बात कहना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए, कोई मीन्स की डेट का मसला हो जाए, तो उसके लिए आपसे सॉरी, क्योंकि ये हम शेयर किए गए लोगों के आपसे आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस को देखिएगा, अगर किसी का थोड़ा सा मिसप्लेस हो तो उसके लिए एडवांस माजरत. नंबर 6 पे है फर्स्ट न्यू एजुकेशन सिस्टम कॉल्ड पेडिया. नेक्स्ट नंबर 7 पे था मीनिंग ऑफ अंसार द हेल्पर्स, अंसार के मैंने क्या है द हेल्पर्स, मदद करने वाले. नंबर 8 पे 90% ऑफ 90, तो ये क्वेश्चन तो हर दफा रिपीट होना, इस दफा भी होना ही होना है आपको, तो इस दफा आप देख लें कि आपने इसको लाजमी करना है. 81 ये आपका एक नंबर पक्का हो गया. नेक्स्ट है सफा मीन्स हिल टॉप्स, पहाड़ की चोटी, टॉप ऑफ हिल्स, सफा के क्या मैंने टॉप ऑफ हिल्स, हिल टॉप्स, पहाड़ की चोटी, ये उसके मीनिंग है. नंबर 10 पे है जामियाल कुरान कॉल्ड, जामियाल कुरान किन्हें कहा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो, उनका लकब था जामियाल कुरान, तो जामियाल कुरान किन का लकब था, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो का. तो एक पार्ट ये आपका इस वीडियो का कम्प्लीट हुआ. होप्स हो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करके आप हमें अपनी राह के मतलब ज़रूर आगाह कीजिएगा. मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के तरफ ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी से हो सके और छोटी छोटी वीडियोस आप लोग ज़्यादातर पूरी देख लिया करें, ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं बनाई ताकि आप पूरी देख लें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अपना देर से ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.